Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat. In our previous session, we have discussed about matrix chain multiplication problem of dynamic programming approach. उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे हमारे पास एक से ज़्यादा matrices है और उसका अगर आपको multiplication करना है तो आप कैसे कर पाओगे, तो with the use of that method हम matrix multiplication कर सकते हैं. In our today's session, we are going to discuss about longest common subsequence. ये problem जो है उसके अंदर हमें क्या करना है कि आपके पास दो string दी हुई होगी, वो दो string में से आपको उसकी longest common subsequence find करनी है. Subsequence क्या है वो तो आपको पता ही होगा. Here subsequence is a sequence that appears in the same relative order but not necessarily contiguous. Same relative order में आपकी sequence जो है वो appear होनी चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ही हो. गिवन टू सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई, वी से दैट अ सीक्वेंस जेड इज अ कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एंड वाई इफ जेड इज अ सबसीक्वेंस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई. अगर एक्स और वाई दो सीक्वेंसेस आपके पास है और आप कोई तीसरी सीक्वेंस विद द यूज ऑफ दैट एक्स एंड वाई फाइंड कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट अ जेड, तो आप जेड को एक्स और वाई की सबसीक्वेंस बोल सकते हो. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने. इफ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी बी डी ए बी एंड वाई इज इक्वल टू बी डी सी ए बी ए, इन दोनों का अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस फाइंड करूं तो मुझे आंसर मिल रहा है बी सी ए. यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी सी ए जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इट शुड नॉट बी नेसेसरी दैट द सबसिक्वेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म. तो यहाँ पे हमें B मिला, फिर C मिला है, फिर A मिला है. सेम यहाँ पे B मिला, फिर C मिला, उसके बाद A मिला है. तो सबसीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम बी सी ए को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एंड वाई बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में हमें हमने देखा था कि अ सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर. तो बी सी ए, बी के बाद सी आता है उसके बाद ए, सेम बी के बाद सी उसके बाद ए, तीनों कंटिन्यूअस नहीं है पर सेम रिलेटिव ऑर्डर में है, तो हम इसे सबसीक्वेंस बोल सकते हैं. तो विद द यूज ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक वी कैन फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंसेस. हम ये जो एग्जांपल, ये जो प्रॉब्लम है वो एक एग्जांपल से देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आप कैसे फाइंड करोगे, तो विद द यूज ऑफ दिस थ्री स्टेप्स हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं. ये तीन स्टेप के अंदर तो मैं नहीं जाऊंगी, पर मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड कर रहे हो विद द यूज ऑफ टू सीक्वेंसेस, तो वो दोनों सीक्वेंसेस की लेंथ सेम होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. तो हमें एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा. एक कॉलम्स हम एम की लेंथ के लिए बना रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग वन के लिए कॉलम्स, तो स्ट्रिंग टू के लिए रोज. ऐसे करके आप रो और कॉलम का कलेक्शन करके एक टेबल जनरेट करो. फिर हमें हर एक टेबल के सेल के लिए ये तीन स्टेप फॉलो करने हैं. मान लो कि आपकी सी ऑफ आई जे सेल जो है उसमें जे की वैल्यू अगर जीरो है तो आपका आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा. अगर आई की वैल्यू जीरो है तो भी आपका आंसर जीरो आएगा, मतलब दोनों में से एक भी सेल की एक भी लोकेशन जीरो है तो हमारा आंसर जीरो हो जाएगा. अगर दोनों सिंबल सही है, सॉरी अगर दोनों सिंबल सेम है, एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू वाई ऑफ जे है, देन हम सी ऑफ आई जे की जगह पे क्या रखेंगे, तो सी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन की जो वैल्यू है उसके अंदर हम एक वन ऐड करके, मतलब एक प्लस ऐड करवा वन करवा के उसका जो आंसर आएगा वो हम रख देंगे विथ क्रॉस एरो. उसके बाद अगर सेम नहीं है तो हम ये चीज, मतलब ये इक्वेशन फॉलो करेंगे. लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैं ये तीन स्टेप में नहीं जा रही हूँ. हम ये तीन स्टेप्स नहीं परफॉर्म करेंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, तो मैं उसके लिए आपको एक तीन सिंपल लॉजिक दिखा देती हूँ कि हमें क्या करना है. देखो ये जो इक्वेशंस हम यूज करने वाले हैं वो तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, ये दो इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस है ये दो स्टेप, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री. स्टेप वन तो क्लियर हो गया कि आई और जे दोनों में से अगर किसी की भी वैल्यू जीरो हुई तो हम आंसर में जीरो लिख देंगे. ये दोनों स्टेप्स तो मैंने यहाँ पे लिखे ही है, पर आप यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स, दूसरी सीक्वेंस है वाई,
एक्स की सीक्वेंस के लिए मैंने रोज जनरेट कर दी और वाई की सीक्वेंस के लिए हमने जनरेट किया है कॉलम्स। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है मैंने, ये एक्स आ जाएगा ये वाई होगा। तो एक्स की सीक्वेंस के लिए हमने कॉलम्स जनरेट कर ली है और वाई की सीक्वेंस के लिए हमने रोज जनरेट कर लिया। मतलब आपको जो पहली स्ट्रिंग दी हुई होगी उसके लिए आपको कॉलम्स बनानी है, दूसरी स्ट्रिंग्स के लिए आपको रो बनानी है। एक्स के लिए कॉलम बना लो, वाई के लिए रो बना लो, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जीरो, ये वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यहाँ पे भी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये भी जीरो है ये भी जीरो है, मतलब आई की वैल्यू भी जीरो जे की वैल्यू भी जीरो, तो उसके लिए हम जीरो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप वन। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो जीरो है और आई की वैल्यू जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे ये पूरी रो में जीरो लिख दिए, पर जे की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो हम ये पूरी कॉलम में भी जीरो ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेप वन जो है वो परफॉर्म हो गया है। अब हमें ये वाले टॉपिक के अंदर तीन एरोस का यूज करना है। एक है क्रॉस एरो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला एरो जो मैंने यहाँ पे किया, आप देख सकते हो ये है क्रॉस एरो का, इसे हम क्रॉस एरो बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अप एरो। और तीसरा एक एरो आ रहा है ये, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट एरो, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए ये तीन चीजें अच्छे से याद रख लो, एक अप एरो है, एक क्रॉस एरो है और एक लेफ्ट एरो है। तो दो कंडीशन है हमारे पास कि हम अब हम क्रॉस एरो का यूज कब करेंगे। तो देखो मैं पहले से आपको दिखा रही हूँ, यहां तक हम थे ठीक है, ये स्टेप वन हमारा परफॉर्म हो गया। अब हम क्रॉस एरो का यूज कब करेंगे, अगर आपकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये वाले केस में हम क्रॉस एरो का यूज करेंगे। देखो ये क्रॉस एरो का यूज किया, क्रॉस एरो आपको कहां पे रिडायरेक्ट करके ले जा रहा है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है जीरो, तो इसमें एक इंक्रीज करवा के हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वन। तो कंडीशन ये है कि जब दोनों वैल्यू आई और जे की वैल्यू जो है वो सेम हो रही है तो हम क्रॉस एरो डालेंगे, और क्रॉस एरो में मतलब उसके आगे वाले बॉक्स में जो वैल्यू थी उसमें एक एड इंक्रीज करवा के हम यहाँ पे लिख देंगे। मानो कि यहाँ पे टू होता तो हम यहाँ पे थ्री लिखते, यहाँ पे थ्री होता तो हम यहाँ पे फोर लिखते, यहाँ पे जीरो है इसलिए हमने यहाँ पे वन लिखा है। ये कंडीशन हो गई कि अगर आपकी वैल्यू मैच हो रही है तो हम क्रॉस एरो डालेंगे और वो बॉक्स में जो आपका वैल्यू है उसमें एक इंक्रीज करवा के हम यहाँ पे रिजल्टेंट बॉक्स में लिख देंगे। दूसरी हमारी कंडीशन है ये वाली, मतलब अप एरो और लेफ्ट एरो। तो जब आपकी वैल्यूज जो है वो मैच नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे देखो बी है और यहाँ पे ए है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो इस केस में हम दो एरो का यूज कर सकते हैं, या तो अप एरो का यूज कर सकते हैं या तो लेफ्ट एरो का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे अप एरो का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब अच्छे से याद रखो I की वैल्यू है B, J की वैल्यू है A, ये दोनों सेम नहीं है तो वो वाले केस में हम दो एरो का यूज कर सकते हैं, एक अप एरो और एक लेफ्ट एरो। अप एरो का यूज हम कब करेंगे, जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की जगह पे डिजिट सेम हो, मतलब ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो उस टाइम पे हम अप एरो डाल के यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ही यहाँ पे लिख देंगे, मतलब यहाँ पे जो डिजिट था वो ही यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज नथिंग बट अ जीरो ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, अब ये तीसरा स्टेप है। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो हमारा कौन सा केस आया, थर्ड केस की आई और जे की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, पर डिजिट यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है, मतलब इन दोनों के डिजिट भी सेम नहीं है, तो हम कौन सा एरो रिफ्लेक्ट करेंगे, जहां पे भी आपकी वैल्यू ज्यादा होगी वो एरो हम रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब देखो लेफ्ट साइड पे वैल्यू वन है और यहाँ पे वैल्यू जीरो है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू है वन, तो हम लेफ्ट एरो डाल के यहाँ पे वन लिख देंगे। अप एरो का यूज हम कब करेंगे, जब आपकी आई और जी की वैल्यू सेम नहीं है पर उसके डिजिट सेम है, तो हम अप एरो डाल के जीरो लिख देंगे। अगर डिजिट भी सेम नहीं है तो जो भी जगह पे आपका डिजिट ज्यादा पड़ा है वो जगह पे एरो रिप्रेजेंट करके आप
वो डिजिट लिख दोगे। क्रॉस एरो हमें एक ही कंडीशन में यूज करना है जब आपकी वैल्यूज सेम हो तब। ठीक है, मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ तक हमारा स्टेप वन क्लियर हो गया था, अब यहाँ पे आ जाओ। एक बात अच्छे से याद रख लो, जब आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है तो हम दो एरो का यूज करेंगे, अप एरो या फिर लेफ्ट एरो। अप एरो हम कब यूज करेंगे, जब इन दोनों की मतलब उसके लेफ्ट साइड वाले बॉक्स और उसके ऊपर वाले बॉक्स दोनों की डिजिट सेम हो तो हम अप एरो का यूज करेंगे। अदरवाइज हम कौन से एरो का यूज करेंगे, अगर डिजिट सेम है तो हम अप एरो का यूज करके आंसर लिखेंगे, अगर डिजिट सेम नहीं है तो जो भी बॉक्स में डिजिट ज्यादा बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला बॉक्स या फिर अप वाला बॉक्स, इन दोनों में से जिसका डिजिट बड़ा है वो एरो का यूज करके हम वो आंसर लिखेंगे। तो अब देखो बी और ए है मतलब नॉट मैच, नॉट मैच है तो दो केस होंगे, अप एरो एंड लेफ्ट एरो, दोनों डिजिट सेम है तो हम अप एरो का यूज करके आंसर जीरो लिख देंगे। अब नेक्स्ट सेल में हम चले जाते हैं तो यहाँ पे आएंगे बी। बी और बी सेम है तो हमें क्रॉस एरो का यूज करना पड़ेगा, और क्रॉस एरो में उसके बॉक्स में है जीरो तो हम यहाँ पे एक इंक्रीज करके लिखेंगे वन। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो वाई जे की वैल्यू सी हो गई, यहाँ पे बी है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो दो एरो का हम यूज कर सकते हैं, एक अप एरो और एक लेफ्ट एरो, पर इन दोनों के डिजिट देखो यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है तो सबसे बड़ा डिजिट हमें लेफ्ट साइड पे मिल रहा है तो हम लेफ्ट साइड के एरो का यूज करेंगे और वन एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है मतलब मैच हो रहा है, जब मैच होगा तो हम क्रॉस एरो का यूज करेंगे, क्रॉस एरो में बॉक्स में जीरो है तो हम यहाँ पे एक इंक्रीज करवा के यहाँ पे लिख देंगे वन। नेक्स्ट पे आ जाओ, बी और डी, डी वैल्यू सेम नहीं है, डिजिट्स भी सेम नहीं है तो ज्यादा बड़ा डिजिट है लेफ्ट साइड पे वन तो हम यहाँ पे वन लिख देंगे। उसके बाद आगे आ जाओ, बी और ए वैल्यू सेम नहीं है, डिजिट भी सेम नहीं है, बड़ा डिजिट हमें लेफ्ट साइड पे मिल रहा है तो हम लेफ्ट साइड के एरो रिप्रेजेंट करके वन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट सेल पे आ जाओ, बी और बी वैल्यू सेम है तो हम क्रॉस एरो डालेंगे, क्रॉस की जगह पे डिजिट है जीरो, उसमें एक इंक्रीज करा के हम लिख देंगे वन। ये रो हो गया खत्म, अब नेक्स्ट रो पे आ जाओ। नेक्स्ट आपकी आई की वैल्यू जो है वो क्या है, डी है, और जे की वैल्यू क्या है, ए है, दोनों सेम नहीं है तो सेम नहीं है वो केस में हम दो एरो लिख सकते हैं, एक अप वाला एक लेफ्ट वाला, पर यहाँ पे डिजिट सेम है, डिजिट सेम है तो हम अप वाला एरो लेंगे और डिजिट जीरो लिख देंगे। फिर डी और बी, डी और बी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, डिजिट भी सेम नहीं है तो डिजिट कहाँ पे बड़ा है, अप पे, तो हम अप एरो डालेंगे और आंसर जो है वो वन लिख देंगे। फिर डी और सी वैल्यू सेम नहीं है पर दोनों के डिजिट सेम है, अप बॉक्स और लेफ्ट बॉक्स के डिजिट सेम है तो हम कौन सा एरो डालेंगे, अप वाला एरो डालेंगे और आंसर लिखेंगे वन। डी और बी वैल्यू सेम नहीं है पर डिजिट सेम है, अगेन जब डिजिट सेम होगा तो हम क्या करेंगे, अप एरो डालेंगे और आंसर लिख देंगे वन। फिर डी और डी वैल्यू सेम आ रही है तो हम क्रॉस एरो डालेंगे और उसमें एक इंक्रीज करवा के यहाँ पे आंसर आ जाएगा टू। उसके बाद आता है डी और ए वैल्यूज सेम नहीं है, यहाँ पे डिजिट्स भी सेम नहीं है, देखो टू और वन है तो टू बड़ा है इसलिए हम लेफ्ट एरो डाल के टू लिख देंगे। फिर अगेन वैल्यूज सेम नहीं है डी और बी, डिजिट्स भी सेम नहीं है, बड़ा डिजिट हमें लेफ्ट साइड पे मिल रहा है तो हम लेफ्ट साइड का एरो डाल के यहाँ पे लिख देंगे टू। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखते जाओ नेक्स्ट में हमने क्या किया, सी और ए वैल्यू सेम नहीं है, दोनों डिजिट सेम है तो हम यहाँ पे अप एरो डाल के यहाँ पे लिख देंगे जीरो। सी और बी वैल्यू सेम नहीं है, डिजिट में अप वाले एरो में डिजिट हमारा बड़ा है तो हम यहाँ पे वन डाल के लिखेंगे यहाँ पे वन। फिर सी और सी वैल्यू सेम है तो एरो डालेंगे हम लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला एरो डाला यहाँ पे हमने वन जो है उसे इंक्रीज करके यहाँ पे लिख दिया है टू। उसके बाद सी और बी यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है, बड़ा डिजिट हमें लेफ्ट साइड पे मिल रहा है तो हम लेफ्ट साइड पे एरो डाल के यहाँ पे लिख देंगे टू। फिर है सी और डी वैल्यू सेम नहीं है, डिजिट सेम है तो हम अप एरो डाल के टू लिखेंगे। फिर है सी और ए सेम चीज है, वैल्यू सेम नहीं है, डिजिट सेम है, अप एरो डाल के हम टू लिखेंगे। फिर है सी और बी सेम चीज, वैल्यू सेम नहीं है पर डिजिट सेम है तो हम अप एरो डाल के लिखेंगे टू।
उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है ए, तो क्रॉस एरो डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर ए और बी वैल्यू सेम नहीं है, डिजिट सेम है, अब एरो डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर ए और सी वैल्यूज भी सेम नहीं है, डिजिट्स भी सेम नहीं है, तो बड़ा डिजिट है अप साइड पे, तो अप एरो डाल के हम लिख देंगे 2। फिर है ए और बी सेम, वैल्यूज सेम नहीं है पर डिजिट सेम है लेफ्ट और अप का, तो हम अप एरो डाल के लिख लेंगे यहाँ पे 2। फिर है ए और डी, वैल्यूज सेम नहीं है, डिजिट सेम है दोनों का, लेफ्ट साइड का और अप साइड का, तो अप एरो डाल के हम लिख देंगे 2। फिर है ए और ए, वैल्यूज सेम है तो हम क्रॉस एरो डाल के इसमें एक इंक्रीज करा के यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर है ए और बी, वैल्यूज सेम नहीं है, डिजिट भी सेम नहीं है, लेफ्ट साइड पे डिजिट बड़ा है, तो हम लेफ्ट साइड पे एरो डाल के यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद नीचे आ जाओ, तो बी और ए वैल्यूज सेम नहीं है, डिजिट भी सेम नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो आप एरो डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर है बी और बी वैल्यूज सेम है, तो हम क्रॉस एरो डाल के यहाँ पे एक इंक्रीज करवा के लिखेंगे 2। उसके बाद बी और बी सेम चीज है, वैल्यू सेम नहीं है, डिजिट सेम है, तो अप एरो डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे 2। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, तो बी और बी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो क्रॉस एरो डाल के हम यहाँ पे एक इंक्रीज करा के यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर आगे आ जाओ, बी और डी वैल्यू सेम नहीं है, डिजिट लेफ्ट साइड का बड़ा है, तो लेफ्ट एरो डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद बी और ए वैल्यूज सेम नहीं है, डिजिट सेम है, तो आप एरो डाल के हम लिखेंगे 3। उसके बाद बी और बी वैल्यूज सेम है, तो हम क्रॉस एरो डाल के यहाँ पे 3 में एक इंक्रीज करा के यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद नीचे आ जाओ, ए और ए वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पे क्रॉस एरो डाल के हम 0 में एक इंक्रीज करा के यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, वैल्यूज सेम नहीं है पर बड़ी वैल्यू जो है वो अप साइड में मिल रही है, तो आप एरो डाल के हम 2 लिखेंगे। सेम वैल्यूज सेम नहीं है, डिजिट सेम है, तो आप एरो डाल के हम लिखेंगे 2। यहाँ पे भी वैल्यूज सेम नहीं है, डिजिट अप साइड का बड़ा है, इसलिए अप एरो डाल के यहाँ पे लिखा 3। फिर वैल्यूज सेम नहीं है, डिजिट दोनों के सेम है, तो अप एरो डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे वैल्यूज सेम है, तो क्रॉस एरो डाल के हम ये वैल्यू में एक इंक्रीज करवा के यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, वैल्यूज सेम नहीं है, डिजिट सेम है, तो अप एरो डाल के हम लिखेंगे 4। ये हो गया आपका पूरा जो बॉक्स था वो। अब हमें क्या करना है, विद द यूज ऑफ दिस एरोस डायरेक्शन हम एक डायरेक्शन फाइंड करके 0 तक पहुंचेंगे, और वो 0 के अंदर हमारे जो क्रॉस एरेज है वो क्रॉस एरे में कौन सा वैल्यू आ रहा है आई और जे का, वो हम नोट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अप एरो है तो हम अप में चले जाएंगे, जैसे ही आप अप में जाओगे तो आपको क्रॉस एरो मिल रहा है, तो आप क्रॉस डायरेक्शन पकड़ोगे, पर क्रॉस एरो मिल रहा है इसीलिए हम ये वैल्यू और यहाँ की आएगी ये वैल्यू, इन दोनों को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी क्रॉस है तो हम ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को नोट डाउन करेंगे। फिर ये क्रॉस डायरेक्शन में हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो हमें मिल रहा है अप डायरेक्शन, अप डायरेक्शन में जाने के बाद हमें मिल रहा है अगेन क्रॉस डायरेक्शन, तो हम ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को नोट डाउन करेंगे। फिर क्रॉस में गए तो क्रॉस में जाने के बाद हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को नोट डाउन करना है। उसके बाद वापस हम क्रॉस में गए तो हम 0 पे पहुंच गए। तो ये जो हमने नोट डाउन किया है उसे आप आगे से पढ़ो तो हमें मिलेगा बी डी ए बी, सेम यहाँ पे भी वही होगा बी डी ए बी। तो ये दोनों आपकी एक्स और वाई जो सिक्वेंसेस है उसमें से हमें जो सब सिक्वेंस मिली वो है बी डी ए एंड बी, मतलब आपका आंसर हुआ बी डी ए बी। ये है एलसीएस का एग्जाम्पल। तो एलसीएस के अंदर आपको ये चीज परफॉर्म करनी है, एक पूरा बॉक्स ड्रॉ करना है। फिर मैंने जो दो कंडीशन आपको बोली कि अगर आपकी वैल्यूज सेम आ रही है तो आप क्रॉस एरो डाल के क्रॉस बॉक्स में जो वैल्यू है उसमें एक इंक्रीज करवा के आपके नेक्स्ट बॉक्स में रखोगे। अगर वैल्यूज सेम नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप एरो या तो लेफ्ट एरो, और वो दोनों की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी है। तो विद द यूज ऑफ दिस कंडीशन हम ये प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अच्छे से एक बार ये चीजें देख लो, ये अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कनेक्ट हो जाओ, हम फिर से ये चीज डिस्कस करेंगे। जीटीयू के एग्जाम के अकॉर्डिंगली ये जो
चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल 7 मार्क्स में एग्जाम में आता है, तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। आगे भी मैंने एक एग्जाम्पल परफॉर्म किया है। यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रिंग है, ए बी बी, ए सी डी सी बी ए, और दूसरी है बी सी डी बी सी बी बी सी ए ए। दूसरी हमने ये स्ट्रिंग दी है। ये दोनों स्ट्रिंग्स के लिए आपको घर से एग्जाम्पल परफॉर्म करने हैं, और वो दोनों एग्जाम्पल आपके असाइनमेंट की नोटबुक में आपको नोट डाउन करने हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो तो आंसर आपको फर्स्ट का मिलेगा बी सी डी सी ए, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका सॉल्यूशन मैंने नहीं बनाया है, वो एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करना है। ये अच्छे से एक बार देख लो, इसे समझ लो, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम फिर से इसे डिस्कस करेंगे, पर ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एलसीएस में कुछ भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कनेक्ट हो जाओ, तो वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज सेशन।